नमस्ते दोस्तों कैसे हैं आप सब आई होप कि अच्छे होंगे और दोस्तों आज मैं बहुत ही काम का टिप्स लेकर आई हूं जिसको देखकर आप लोगों के काम तो आसान होंगे ही साथ में पैसों की भी बचत होंगे और टिप्स एंड ट्रिक्स से काम करेंगे तो हमारा डेली लाइफ का काम आसान होगा दोस्तों तो चलिए ना देरी करते हुए वीडियो को हम शुरू करते हैं उससे पहले हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं तो दोस्तों आज का मेरा फर्स्ट आइडिया है टमाटर को काटने को टमाटर का सलाद काटने को लेकर तो यहाँ पर देखिए झट से काटने के लिए हम यहाँ पर एक बहुत ही कमाल का जुगाड़ लेकर आए हैं कि कांटा वाले चम्मच को इस तरीके से लगा के और झट से ढेरों टमाटर काट कर सलाद तैयार कर सकते हैं सलाद के लिए और दोस्तों इस इसी इसी टिप्स से हम प्याज भी झट से काट लेंगे तो यहाँ पे एक हम प्याज ले लेते हैं प्याज लेने के बाद इसका छिलका उतार लेते हैं और प्याज को भी देखिए काट के दिखाते हैं तो सबसे पहले छिलका उतार लेते हैं छिलका उतारने के बाद इसको भी झट से इसी तरीके से काट लेना है और मेरा मिनटों में एकदम सलाद बनकर तैयार तो है दोस्तों कमाल का टिप्स यूज़फुल जुगाड़ बताइएगा इस तरीके का हम यूज़फुल वीडियो लेकर आते रहते हैं दोस्तों कि ताकि आप लोगों का काम काफ़ी हद तक आसान हो और जल्दीबाजी में, में मेरा काम भी हो जाए तो देखिए दोस्तों बातों बातों में, में मेरा सलाद कितना बढ़िया से कट गया तो ऐसे ही ढेरों सलाद काट के तैयार कीजिए तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट टिप दोस्तों तो नेक्स्ट टिप हमारा है बे बेसिंग को लेकर जैसा कि बेसिंग हमारा एक इतना इम्पोर्टेंट हिस्सा है दोस्तों कि हम हमें साफ़ सफाई का ध्यान रखना जरूरी होता है जैसे कि ए, क्या है ना कि किन्हीं किन्हीं के घरों में खारा पानी आता है कहीं कहीं पे खारा पानी आता है तो इस तरीके से ना पानी का धब्बा लग जाता है छूटता नहीं है तो इसके पानी को धब्बों को छुड़ाने के लिए यहाँ पे थोड़ा सा चावल ले लीजिए और चावल से इस तरीके से रगड़िएगा तो काफ़ी हद तक हमारा क्लीन हो जाता है बेसिंग ये देखिए दोस्तों बहुत ही अच्छा सा क्लीन हो जाएगा ये आजमाया हुआ टिप्स है जरूर आप लोग यूज़ कीजिएगा तो यहाँ पे हमारे ज़्यादा जैसा कि गंदा जैसा दिखता है हमारा बेसिंग तो हम चावल से थोड़ा सा साफ कर लेते हैं और हमारे घर में तो खराब पानी नहीं आता है जिनके घर में अगर खराब पानी कहीं कहीं आता है उनके लिए बहुत ही चावल से साफ़ करना अच्छा है बेसिंग है ना दोस्तों और एक बहुत ही यूजफुल टिप्स है कमाल का जुगाड़ है देखिए चावल में थोड़ा सा जैसा कि कड़कपन रहता है तो उसे रगड़िएगा तो सारा एकदम ए, क्लीन हो जाता है देखिए कितना चमकदार मेरा बेसिंग हो गया एकदम सिर्फ चावल से रगड़ने से तो ये छोटी छोटी सी टिप्स को आप लोग भी अपनाइए यूज कीजिए दोस्तों टिप्स एंड ट्रिक्स से काम कीजिए ताकि हमारा काम हो ना आसान हो तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट टिप नेक्स तो नेक्स्ट टिप हमारा है दोस्तों हमारे घर में छोटे छोटे साबुन देखिए इस तरीके से हम लोग नहाते हैं कपड़ा धोने वाला साबुन जो होता है ना तो हो जाता है टुकड़े में तो हम इस साबुन को कैसे यूज में लेते यूज़ में लेने के लिए यहाँ पे हम देखिए एक सॉक्स ले लिए हैं यानी कि जुराब ले लिए हैं दोस्तों और इस जुराब में हम डाल के जो जुराब यूज ना करते हो वो जुराब ले लीजिए और उसको इसमें भर के और क्या करना है कि एक गांठ लगा लेना है एक गांठ लगाने के बाद इसे क्या करना है दोस्तों कि इसे हाथ धोने में भी बहुत काम आएगा ये देखिए छोटे छोटे जो हाथ साबुन हमारे हाथ में नहीं आते हैं अच्छे से नहीं लगते हैं तो इस तरीके से ना हाथ में लगा भी पाएंगे तो चले दोस्तों हम बताने वाले हैं कि हम अपने टॉयलेट टॉयलेट में इसे कैसे यूज करेंगे तो हमारे टॉयलेट में तो जिस जिस जिनके टॉयलेट रहते हैं टैंकर वाले वो टैंकर में डाल दीजिए ताकि इसे क्या है ना कि बेड स्मेल जो पानी हमारे टैंकर से आता है उससे जैसा कि ए, ख़त्म हो जाएगा और हमारे घर में तो टैंकर नहीं है तो इस तरीके से हाथों से मल के जब भी हम पानी अपने टॉयलेट में गिरा रहे हैं ना उस तरी उस टाइम पे हाथों से मल के साबुन इस तरीके से उसमें से दहा दीजिए पानी डालकर तो इससे क्या होगा कि हमारे टॉयलेट में बैड स्मेल वगैरह ये सब नहीं आएगा और ये बहुत ही अच्छा ट्रिक है दोस्तों कि जब भी टॉयलेट से निकलिए तो हाथ धोने के लिए जब होता ना कि साबुन से हम लोग हाथ धोते हैं तो ये इस तरीके से ये साबुन को हम सॉक्स में लगा दिए हैं तो ये बहुत ही अच्छा होगा धोने के लिए इस तरीके से धो लीजिए तो ये दोस्तों बहुत ही, ही यूजफुल टिप्स है कमाल का टिप्स जरूर एक बार यूज करके देखिएगा बहुत तो ही मज़ा आएगा वीडियो कैसा लगा यूजफुल लगा हो जरा सा भी आप लोगों को काम का टिप्स हो तो लाइक कीजिएगा शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा तो दोस्तों इसी तरीके से मैं यूजफुल वीडियो आप लोगों के बीच लाती रहूंगी कमाल का टिप्स लाती रहूँगी तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय